આગ્રાના પારસ હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજન મોકડ્રિલ કેસમાં તપાસ ટીમે પારસ હોસ્પિટલને ક્લીન ચીટ આપી છે. હોસ્પિટલમાં 22 દર્દીઓની હત્યા કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ડીએમએ 7 લોકોના મોતનો દાવો કર્યો હતો. આ મામલે હોસ્પિટલના માલિકનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો. आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल में मौत का मॉकड्रिल और 22 लोगों की मौत की बात सामने आई थी. यही वो पारस हॉस्पिटल है जहां ये सारी चीज़ें सामने आई थी. उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई थी. इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है. इसमें इस बात की तस्दीक की थी, इस बात की जाँच की गई थी कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है नहीं या 22 लोगों की मौत एक साथ हुई है नहीं. तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें साफ तौर पर किया गया है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई, ना ही मौत का मॉकड्रिल हुआ. साथ ही ऑक्सीजन की कमी से इन मरीजों की मौत नहीं हुई है. 16 लोगों की मौत की बात जरूर स्वीकारी गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की विवेचना जारी है. संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा.